नमस्ते। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं और आशा करती हूँ नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आज मैं आपके साथ सिंपल 6 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में आफ्टर दिस फेस्टिवल सीज़न हेल्प करेगी बहुत। हमने इस फेस्टिवल सीज़न में बहुत सारी स्वीट्स और फ्राइड फूड खाया है जिससे हमारे गट बैक्टीरिया टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये प्रैक्टिकल टिप्स आपको हेल्प करेगी कि आपके मेटाबॉलिज्म को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 1, इंक्रीज लॉट ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी। डोंट फोकस ऑन ड्रिंकिंग प्लेन फ्लूइड, ट्राई टू इंक्लूड ब्लैक टी, ग्रीन टी, carrot juice, ginger juice, beetroot juice, celery juice to flush out toxins from your body because it interacts with your gut bacteria. It tries to relieve your bloating, gas, constipation and flush out toxins from your body. Tip number 2, don't starve your body. हम ऐसा सोचते हैं कि हमने इतनी कैलोरीज खा ली है तो अभी हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक डाइट पे आ जाएंगे, जूसेस पे आ जाएंगे, पर इससे अपनी बॉडी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और इस चीज़ को अपनी बॉडी स्टार्वेशन के रूप में लेती है। और जब हमें भूख लगती है तो हम बहुत कुछ खा लेते हैं, कुछ जंक भी खा लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम एक सिंपल प्रैक्टिकल टिप फॉलो करें, जैसे कि ईट माइंडफुली, जैसे हम क्या खा रहे हैं उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए और हमें स्लोली खाना है उसको, ठीक है। वी हैव टू लाइक रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ फूड। जैसे हम 3 रोटी खा रहे हैं तो उसके जगह हम 2 रोटी खा सकते हैं, हम 1 कटोरी दाल खा रहे हैं तो उसके जगह आधी कटोरी खा सकते हैं। और हम फूड को च्यू करने में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स देंगे अपना फूड फिनिश करने के लिए। ट्राई टू हैव योर डिनर अर्ली, जैसे कि 7 साढ़े 7 तक हमें अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। तो इससे क्या होता है कि हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा और हमें बॉडी को कैलोरी बैलेंस करने में हेल्प रहेगा। टिप नंबर 3, नो शुगर एंड फ्राइड फूड एटलीस्ट फॉर अ वीक और 2। इससे क्या होता है कि रेगुलरली अगर हम इतना सारा ऑयल, जैसे कि वो रिफाइंड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, फिल्टर ऑयल क्यों ना हो, इतने लंबे समय तक अगर हम रहेंगे तो इट विल मेक आवर बॉडी लेथार्जिक एंड प्रोन टू डिजीजेस। सो वी हैव टू गो बैक टू अवर टिप नंबर 1, जैसे कि वी हैव टू इंक्रीज अवर फ्लूइड इनटेक, एस्पेशली वार्म फ्लूइड्स, which will help to flush out toxins from our body and make our system smooth. Tip number 4, increase your probiotic intake. Now everybody knows what probiotic is and how beneficial it is to our body. Eating probiotic bacteria makes our gut flora easily to digest our food. We have to include kanji, rice kanji, millet kanji or carrot kanji to our diet to improve our probiotics, or we can have fermented foods, right? You can also have probiotic capsules if there is no time to prepare such kind of food at your house, so that it helps to add some good bacteria to your gut so that it can help to improve your digestion and metabolism. Tip number 5, try to include vegetable fiber than grain. Replace your one meal, जैसे कि breakfast है, lunch है या dinner है, उनमें से कोई भी एक मील को वेजिटेबल मिल कर देना और ग्रीन को रिमूव कर देना। जैसे कि आफ्टरनून में आप सैलड का बाउल खा सकते हो, सैलड, या इवनिंग में आप सूप्स ले सकते हो। इससे क्या होता है, वेजिटेबल फाइबर्स आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट देन ग्रीन, ग्रीन्स आर लिटिल हेवियर, सो ट्राई टू कट डाउन ग्रीन from your meal at least for a week or 2. Otherwise, you can do in such a way that you can add more vegetables to your food. जैसे कि हमें अगर खाली वेजिटेबल नहीं लेना तो ग्रेन के साथ वेजिटेबल का जो पोर्शन है वो इंक्रीज कर देना है. सो इट विल हेल्प फॉर इजी डाइजेशन एंड टू कीप योर बॉडी इन बैलेंस. अगर फिर भी आपकी बॉडी को जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है, देन यू कैन ऐड सम सोल्यूबल फाइबर्स जैसे कि इसबगुल है, वो आपकी बॉडी में आप लाइक वो इंटेक कर सकते हो रात को, जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो सकती है. ठीक है. एंड टिप नंबर 6, एक्सरसाइज विच इज़ मस्ट. सो स्टार्ट exercising at least 30 to 40 minutes a day. Thank you.